बात अगर हम करें आज के अगले क्वेश्चन की, तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है जिसे हमें सॉल्व करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारा x माइनस साइन वाई डी वाई प्लस टेन वाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। और यहां पर एक कंडीशन दिया हुआ है वाई जीरो इज इक्वल टू जीरो, वाई जीरो इज इक्वल टू जीरो। ऐसे सिचुएशन को आपने पहले भी कहीं देखा है, और अगर आपने पहले इसको देखा है तो आपको ये देखकर याद आ रहा होगा कि ये आपके डिफरेंशियल इक्वेशन के पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात करता है। यानी यहाँ पर जो आपका आर्बिट्री कांस्टेंट सी होता है उसकी कोई पर्टिकुलर वैल्यू आने वाली है। जब कभी भी किसी क्वेश्चन में इस तरह की कोई वैल्यू गिवन हो तो आप देखते ही समझ जाइएगा कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन की कोई पर्टिकुलर वैल्यू आने वाली है, यानी आपका जो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट या आर्बिट्री कांस्टेंट है सी, उसकी वैल्यू आएगी। चलिए जब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने के लिए जो भी हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है, हमने अपने उस डिफरेंशियल इक्वेशन को लिख लिया, एक्स माइनस साइन वाई डी वाई प्लस टेन वाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से सोचिए, इस वाले पूरे टर्म को जब हम इधर शिफ्ट कर देंगे तो यह हमारा माइनस एक्स माइनस साइन वाई डी वाई आएगा। यहाँ से डी वाई को हम इधर शिफ्ट कर देते हैं और इस टेन वाई को हम इधर शिफ्ट कर रहे हैं। डी वाई को यहाँ से हम इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये डी एक्स अपॉन डी वाई आ जाएगा। इस 10y को हम इधर शिफ्ट करेंगे तो ये डिनोमिनेटर में जाएगा। तब तक इस माइनस को जब आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास साइन वाई माइनस एक्स बचेगा, साइन वाई माइनस एक्स अपॉन का 10y। अब ये तो हमारा dx अपॉन dy हो गया, इसे जब हम सेपरेट करेंगे, सेपरेट करने के बाद हमारे पास आएगा साइन वाई अपॉन टेन वाई माइनस एक्स अपॉन टेन वाई। अब इस एक्स अपॉन टेन वाई को जब हम इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस एक्स अपॉन टेन वाई। ये एक्स अपॉन टेन वाई को हमने इधर शिफ्ट कर दिया, और इसके बारे में सोचिए, ये 10y को आप लिख सकते हैं साइन वाई अपॉन का कॉस वाई, अपॉन का कॉस वाई ऊपर चला जाएगा, साइन वाई कैंसिल हो जाएगा। हमें साइन वाई अपॉन 10y को सॉल्व करके केवल हमारे पास कॉस वाई बचा। अब ध्यान से इसे देखिए, ये x अपॉन 10y को क्या हम x इंटू कॉट वाई लिख सकते हैं? बिल्कुल लिखा जा सकता है। ऐसा लिखते ही dx अपॉन डी वाई प्लस कॉट वाई एक्स इज इक्वल टू कॉस वाई, जैसे ही हमने इसको ऐसा लिखा, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है हमारे इस फॉर्म को मैच कर गया, dx अपॉन डी वाई प्लस px इज इक्वल टू क्यू। और यहाँ से हमने p और q की वैल्यू जब देखी तो p की वैल्यू है हमारे पास कॉट वाई और q की वैल्यू है हमारे पास कॉस वाई। p और q की वैल्यू मिल जाने के बाद हम फाइंड करते हैं अपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर को, और हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर में इंटीग्रेशन cot y dy है। cot y का इंटीग्रेशन और कुछ नहीं log sin y होता है। अब e की पावर में log sin y, e की पावर में log जैसे आपने देखा तो ये पूरा हट गया, बचा हमारे पास sin y। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर साइन वाई मिल गया हमें। एक बार जब हमें अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर साइन वाई मिल जाए, तब हम उसके सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं, और हमारा सॉल्यूशन जो है, द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एक्स इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू इंटू आई एफ डी वाई प्लस का सी। हमें इसी फॉर्मेट में इसको सॉल्व कर देना है। आई एफ हमने अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने अभी भी निकाला था, साइन वाई आया था, x इंटू साइन वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉस वाई, क्यू की वैल्यू हमारी कॉस वाई थी, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा साइन वाई है, डी वाई वैसे ही है प्लस का सी। कॉस वाई इंटू साइन वाई को इंटीग्रेट करने के लिए हमने इसमें टू बाई टू से मल्टीप्लाई किया,
वन अपॉन टू बाहर में रखा और टू जो था अंदर ले लिया, ये टू साइन वाई इंटू कॉस वाई साइन टू वाई बनेगा। साइन टू वाई को जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपका आएगा माइनस कॉस टू वाई, और टू वाई का नीचे में डिफ्रेंसिएशन है तो ये टू आएगा। ये जब पूरा को आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा माइनस वन बाई फोर कॉस टू वाई, और ये प्लस का सी हमारा वैसे ही था। अभी तक जो ये आया है ये हमारे पास आया है एक्स साइन वाई इज इक्वल टू माइनस वन बाई फोर कॉस टू वाई प्लस का सी, इसे हमने अपना इक्वेशन वन बोल दिया। अब यहां पर तो हमारे पास क्वेश्चन में एक्स और वाई की वैल्यू पहले से गिवन थी, यानी हमें इस आर्बिट्री कांस्टेंट की एक पर्टिकुलर वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये तो हमें गिवन था वाई जीरो इज इक्वल टू जीरो। वाई जीरो इज इक्वल टू जीरो का मतलब ये है कि वाई की वैल्यू जीरो है कब, जब एक्स की वैल्यू जीरो है। आपको तो याद ही होगा कि जब भी ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन दिया रहता है तो ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है ये एक्स की वैल्यू है, और ये जो है इज इक्वल टू के बाद ये हमारी वाई की वैल्यू होती है। तो y की वैल्यू हमारे पास 0, x की वैल्यू 0। अब x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0, ये दोनों वैल्यू को हम इस इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। जहां जहां x और y है उसकी जगह 0 0 पुट करने के बाद ये आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा। 0 का मल्टीप्लाई जब साइन 0 के साथ होगा तो ये तो 0 हो गया। cos 0 की वैल्यू अपने आप में 1। यहां से जब आपने सॉल्व किया इसे तो आपको पता चला कि c की वैल्यू आपके मिल गई 1/4। c की वैल्यू पता चल जाने के बाद इस c की वैल्यू को आप इसी इक्वेशन 1 में पुट करने वाले हैं। c की वैल्यू को वापस उठाकर इसी इक्वेशन 1 में जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा x साइन y इज इक्वल टू माइनस 1/4 कॉस 2y प्लस c की जगह हमने 1/4 पुट किया। अब इन दोनों में से सोचिए, हम 1/4 को कॉमन ले रहे हैं। 1/4 को कॉमन लेते ही इसकी जगह पर प्लस का 1 आएगा और ये हमारा माइनस का कॉस 2y। तो ये ब्रैकेट में बनेगा 1 माइनस कॉस 2y। 1 माइनस कॉस 2y और कुछ नहीं 2 sin² y होता है। तब तक सोचिए, तो ये 2 और यहाँ का 4 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा x साइन y इज इक्वल टू हाफ साइन स्क्वायर y। अब यहां से सोचिए, ये साइन y और यहां का एक साइन y कैंसिल होने वाले हैं। ये साइन y और यहां का एक साइन y कैंसिल होगा तो हमारे पास फाइनली क्या बचेगा, यहां x बचेगा, यहां 1/2 साइन y बचेगा। ये 2 को जब आप इधर शिफ्ट कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 2x इज इक्वल टू साइन वाई, और ये 2x इज इक्वल टू साइन वाई जो है यही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो जब कभी भी किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको इस तरह की कोई वैल्यू गिवन हो तो इस तरह की वैल्यू से आप समझ जाइएगा कि वहां पर आपका कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन आने वाला है, यानी उस क्वेश्चन में आपको आपका आर्बिट्री कांस्टेंट जो सी होगा उसकी कोई पर्टिकुलर वैल्यू फाइंड होगी। और ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले वगैरह अगर कहीं यूज हो रहे हैं तो आप उसको यूज करके उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं।